दोस्तों आईपीएल 2025 को लेकर मेगा ऑक्शन बहुत ही जल्द होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सभी टीमें अब से बस कुछ ही दिनों में अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट भी जारी करने वाली है। वहीं दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि जहां सभी टीमें अपने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट को तैयार करने में लगी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स के एक खिलाड़ी ने ठीक रिटेंशन से पहले बहुत ही शानदार पारी खेली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर टीम के खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी रमनदीप सिंह ने नीलामी से पहले धमाल मचा दिया है और केकेआर टीम मैनेजमेंट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें कि इमर्जिंग एशिया कप T20 मुकाबले में अफगानिस्तान ए के खिलाफ खेलते हुए रमनदीप सिंह ने मात्र 34 गेंदों में 188.24 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ 64 रन ठोक डाले। आपको बता दें कि रमनदीप सिंह ने अपने 64 रनों की पारी में 8 चौके और 2 लंबे लंबे छक्के जड़े। दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि रमनदीप सिंह छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और आते ही इन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि रमनदीप सिंह आईपीएल में कोलकाता के लिए भी कई सारी बेहतरीन पारियां खेलते हुए दिखाई दिए थे, हालांकि दोस्तों इन्हें ज्यादा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला और जब भी ये बल्लेबाजी के लिए आते थे तो 2 या 3 ओवर ही बचे रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने 14 मैचों में 31.25 के एवरेज और 201.67 के खतरनाक स्ट्राइक रेट से आईपीएल 2024 में 125 रन बनाए थे और अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी थी। दोस्तों आपको बता दें कि इन्हें कोलकाता नाइट राइडर टीम का दूसरा रसेल भी कहा जाता है। रसेल की तरह ही ये पावर हिटिंग में डील करते हैं। तो दोस्तों आईपीएल के मेगा ऑक्शन से पहले कि ये पारी केकेआर मैनेजमेंट ने जरूर से देखी होगी और अपना ध्यान खींचा होगा और केकेआर की टीम इन्हें किसी भी हाल में आईपीएल 2025 में जाने नहीं दे सकती क्योंकि ये बेहतरीन आक्रामक खिलाड़ी हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या केकेआर के टीम को रमनदीप सिंह को खरीदना चाहिए। दोस्तों अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।